तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों फाइनली आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज मेरा यूट्यूब से थर्ड पेमेंट आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000 यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मुझे यूट्यूब की तरफ से सेंड किया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर यूट्यूब से मेरा थर्ड पेमेंट कितना आया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, कुछ महीने पहले यूट्यूब से मेरा सेकेंड पेमेंट आया था, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था। मैंने आपको लाइव प्रूफ अपना अर्निंग दिखाया था कि मेरा सेकेंड पेमेंट कितना आया है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज मेरा यूट्यूब से थर्ड पेमेंट आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूट्यूब की तरफ से मेरा थर्ड पेमेंट कितना आया है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे लोग का पेमेंट आता है, लेकिन दोस्तों वो लोग अपना पेमेंट रिवील नहीं करते कि उनका जो पेमेंट आया है वो कितना आया, वो एग्जैक्टली नहीं बताते हैं कि यूट्यूब से उनका कितना पेमेंट आया है। बहुत सारे लोग दोस्तों अप्रोक्स बताते हैं कि मैं ये चीज़ बाय कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि यूट्यूब से मेरा थर्ड पेमेंट कितना आया है, कितना डॉलर बना है और कितना टाइम लगा है थर्ड पेमेंट आने में, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे थर्ड पेमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि यूट्यूब से ये जो मेरा थर्ड पेमेंट आया है ये आने में कितना टाइम लगा है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा कि यूट्यूब से मेरा थर्ड पेमेंट कितना आया है। तो देखिए दोस्तों अक्टूबर महीने में यूट्यूब से मेरा सेकेंड पेमेंट आया था। 26 अक्टूबर को YouTube से मेरा सेकेंड पेमेंट आया था, क्योंकि सितंबर में मेरे Google AdSense अकाउंट में $100 कंप्लीट हुआ था। आप लोगों को पता ही है YouTube का जो पेमेंट आता है वो $100 कंप्लीट होने के बाद ही आता है। जब आपके Google AdSense अकाउंट में पूरा $100 कंप्लीट हो जाता है तो वो पेमेंट YouTube आपके अकाउंट में 21 से 26 तारीख के बीच में ट्रांसफर कर देता है। तो दोस्तों सितंबर महीने में मेरा पूरा $100 कंप्लीट हो गया था और अक्टूबर महीने में 26 तारीख को YouTube से मेरा सेकेंड पेमेंट आ गया था। अब YouTube से सेकेंड पेमेंट आने के बाद मेरे Google AdSense अकाउंट में फिर से $100 कंप्लीट हो गया था। अक्टूबर में मेरा यूट्यूब से सेकेंड पेमेंट आया था और दिसंबर में मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में फिर से $100 कंप्लीट हो गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीना मिलाकर मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो गया था। अब कंप्लीट होने के बाद दोस्तों 23 जनवरी को मेरे बैंक अकाउंट में मेरा जो थर्ड पेमेंट था वो ट्रांसफर हो गया था। 22 तारीख को बैंक की तरफ से मेल आया था। मैं आपको सबसे पहले वो मेल दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यही मेल है जिसमें मेरा पूरा डिटेल्स लिखा हुआ था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, यहाँ पे कितना डॉलर ट्रांसफर हो रहा है, मेरा अकाउंट नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों 22 जनवरी को बैंक की तरफ से मुझे ये मेल मिला था और 23 जनवरी को मेरे अकाउंट में मेरा जो थर्ड पेमेंट था वो ट्रांसफर हो गया था। मतलब दोस्तों ये मेल आने के बाद 24 घंटे के बाद मेरे अकाउंट में मेरा जो पेमेंट था वो आया है। तो दोस्तों अगर आपका भी YouTube से पेमेंट आने वाला है तो दोस्तों आपके पास भी कुछ इस तरीके का मेल आएगा, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों YouTube से मेरा थर्ड पेमेंट आने में पूरा मेरा 3 महीना का समय लगा है। अब दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ कि YouTube से मेरा जो थर्ड पेमेंट आया है वो कितना आया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कैश काउंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मेरे हाथ में कितना टोटल कैश है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि YouTube से मेरा जो टोटल पेमेंट आया है वो कितना आया है। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पे कुछ 100 का नोट है जो कि मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों टोटल 500 का जो नोट है वो टोटल 15 है और 5 नोट है 100 का, ठीक है। मतलब टोटल दोस्तों मेरे हाथ में कैश है 8,000 रुपया। लेकिन दोस्तों इतना मेरा YouTube से पेमेंट नहीं आया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना टोटल डॉलर दिखा देता हूँ कि मेरा टोटल डॉलर कितना बना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं साइड में अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और लाइव प्रूफ आपको अपना थर्ड पेमेंट दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपल सी मोनेटाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेमेंट हैज बीन सेंड और नीचे लिखा हुआ है $125.39। मतलब दोस्तों मेरा जो टोटल डॉलर बना था वो बना था $125.39, जिसको दोस्तों अगर आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करोगे तो ये 10,000 कुछ रुपया बनेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से मैं चलता हूँ बैक। अब बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल से सर्च पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ $2INR, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $2INR, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपल से
सर्च कर देता हूँ। अब सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो $1 का वैल्यू आ चुका है, 83.12 रुपया यहाँ पे अभी के टाइम में $1 का वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं $1 के जगह पे यहाँ पे मैं $125.39 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 125.39 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे $125 का पूरा वैल्यू आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे $10,422.61 बना है। टोटल यूट्यूब से जो मेरा पेमेंट बना है वो इतना बना है, यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों, डॉलर में 125.39 बना है और बात करें इंडियन रुपीज में तो ₹10,422 बना है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब से मेरा इतना पेमेंट नहीं आया है दोस्तों, यहाँ पे जो आप ₹10,422 देख रहे हो दोस्तों, इसमें से बैंक ने अपना कुछ चार्ज लिया है। आप लोग को पता ही है दोस्तों यूट्यूब का जो पेमेंट आता है वो डॉलर में आता है, तो डॉलर को इंडियन रुपीज में बदलने के लिए बैंक ने अपना कुछ चार्ज लिया है। तो दोस्तों टोटल काट छाट के यूट्यूब से मेरा जो थर्ड पेमेंट आया है वो पूरा 10K आया है, मतलब दोस्तों पूरा 10,000 मेरा थर्ड पेमेंट आया है, जो कि आप लोग देख सकते हो 8,000 मेरे हाथ में कैश है और 2,000 मेरे अकाउंट में है। दोस्तों YouTube से मेरा इतना ही पेमेंट आया है, जो कि मैंने आपको लाइव प्रूफ सारा चीज़ दिखा दिया है। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोग पसंद आ गया होगा, पसंद आ गया हो तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आगे भी आपको ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।